अकोला के विश्राम गृह में आज मनसे के जो कार्यकर्ता है वो एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी के ऊपर आक्रामक हुए हैं, क्योंकि कल अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे के खिलाफ जो वक्तव्य किया है, उनके सुपारीबाज कहा है, उसको लेकर मनसे के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक थे। जैसे ही अमोल मिटकरी की गाड़ी अकोला के विश्राम गृह में आई, उसी चलते उनके पीछे आए, लेकिन अमोल मिटकरी तुरंत ही अंदर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज ठाकरे के खिलाफ तुम्हारे बयानबाजी करने की औकात नहीं है, इस तरीके के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए और बाहर आकर उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगे झाड़ की जो कुंडिया है वो इस पर और पत्थर मारकर इस तरीके की तोड़ी है। ऐसे में अब अमोल मिटकरी के सुरक्षा गार्ड और उनके समर्थकों ने उनका कुछ हद तक यहाँ पर उनकी जो है उनको जो आक्रामक हुए मनसे के कार्यकर्ते उनसे रोका जरूर, लेकिन उनकी गाड़ी जो है उनके निशाने पे थी और उन्होंने साफ कहा है कि राज ठाकरे के खिलाफ जो बयान आपने दिया है उसकी माफ़ी मांगे, वरना इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। हमारे साथ है अमोल मिटकरी। कुछ ही देर पहले उनके गाड़ी पर और उन पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हमला किया, क्या कहेंगे इस हमले को? उनकी औकात ही नहीं मेरे पे हमला करने की, मैं गाड़ी में बैठा नहीं था तब जाके उन्होंने हल्ला किया। वो अगर मर्द की औलाद रहती थी तो सामने आके भिड़ते थे। 40-40 गुंडों की झुंड आ रही, मैं अकेला बैठा हुआ अंदर। मैं तो लोगों का काम करने के लिए आया 2 बजे, मैं तो अब तक घर पे था आपके साथ बैठा हुआ। लेकिन इस टाइप का कोई गुंडागर्दी करता होगा, वो चाहते होंगे कि महायुति में हमारी ज़्यादा सीटें आएंगी ऐसा करने से, तो उनका वहम है। मैंने जो जवाब देना था मैंने दिया, लेकिन मुझे अकोला ज़िले की कोई कायदा सुव्यवस्था पे कोई दाग उठाए, कोई दाग लगे, ये मुझे करना नहीं था। मैंने अकोला जिला के SP बच्चन सिंह साहब से फ़ोन पे बात की, अभी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जाके उन पे FIR करवा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि महायुति का घटक होने के बावजूद मैं एक आम आदमी भी हूँ, इस तरीके से कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी को मार डालो, किसी को काट डालो, ये कोई हुकुमशाही थोड़ी है, यहाँ तो लोकशाही है बाबा साहब ने दी हुई, तो इस टाइप का नहीं चलेगा। मैंने जो किया करना है मैं रजिस्टर करूंगा कार्रवाई। मुझे बोलिए कि आप भी सत्ता में हैं, मनसे भी सत्ता से जुड़ी है। वो कहाँ सत्ता है, उनके कितने विधायक है बताओ ना आप। नहीं, सत्ता से जुड़ी है। नहीं, वो सुपारी बहादुर है, मैंने तो कल भी कहा था, जिधर अच्छा मिलता खाने को खजूर उधर जाते वो लोग, वो कहाँ के सत्ता में है। नहीं, आपके बयान पर उन्होंने कहा कि माफी मांगो तो ही बात होगी। क्यों माफी मांगेंगे, माफी सत्पुरुषों से मांगी जाती है, गुंडों से माफी नहीं मांगी जाती। ये गुंडेगर्दी करने वाले लोग, इनसे क्यों माफी मांगूंगा मैं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो माफी तो उनके नेता ने मांगने को ना। उनका जो नेता ने कल बयान दिया पूना में, जिस टाइप का अजीत दादा पे बयान दिया, उन्होंने माफी मांगने को ना, मैं क्यों माफी मांगू। तो जिस तरीके से मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमला किया है, उसको लेकर अब शिकायत दर्ज करने वाले हैं। उनका पॉलिटिक्स आगे जा सकता है। जिन 2 सांसदों ने ये टीका टिप्पणी की, उसमें से एक है खासदार सुप्रिया ताई सुले और दूसरा है खासदार संजय राउत। अब संजय राउत जी को एक रोज की आदत पड़ी है, जैसे सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या जिम के लिए जाते हैं, उस टाइप संजय राउत मीडिया के आगे आकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान कर देते हैं, बेतुका बयान, जिसकी वजह से वो दिन भर सुर्खियों में रहे। और कल उन्होंने, आज सवेरे उन्होंने ऐसा बयान किया कि भेष बदल कर अजीत दादा जा रहे, इसका मतलब है दाऊद का भी आना जाना वैसा रहा होगा। अब ये जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो संजय राउत ने इसकी क्राइम रिपोर्टिंग भी की हुई है, और जिस वक्त उन्होंने बम्बई में क्राइम रिपोर्टिंग की तो उनके तालुकात दाऊद से जरूर जुड़े होंगे, और दाऊद के साथ रहने से अब दाऊद की याद उनको सता रही है, इसीलिए उनका नाम भी महाराष्ट्र के लोगों ने 100 दाऊद और 1 राउत ऐसा हैशटैग भी लोग चलाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि क्राइम रिपोर्टिंग करते करते दाऊद से भी उनके हो सकता है तालुकात बड़े हो। और रही बात दूसरे सांसद सुप्रिया ताई की, तो मैं सुप्रिया ताई से सवाल कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई, एक 20 साल की हमारी लड़की जिसका नाम यशस्वी शिंदे है उरन में, जिसका मर्डर हुआ, उस आरोपी को आज महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया कर्नाटक से, वो मसले पे नहीं लगा सुप्रिया दीदी को कि वहाँ जाके उनके परिवार के साथ मिलना चाहिए या उनके परिवार के सांत्वन में शरीक होना चाहिए, ये उनको क्यों नहीं लगा? महाराष्ट्र और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बोलने वाले सुप्रिया दीदी को हमारा सवाल यह है कि जिस वक्त एयरपोर्ट द्वारा कोई जाता है वहाँ तो सिक्योरिटी चेक करता है एयरपोर्ट पर जाने के बाद, फिर हमारी नकाब में रहने वाली बहन भी होगी तो उसकी सिक्योरिटी और उसका ID प्रूफ चेक किया जाता है, उसके बाद ही उनको आगे जाने का मौका मिलता है। अब अजीत दादा ने जो कहा वो खुले दिल से कहा कि मैं अमित शाह जी से मिला हूँ, मैं भेष बदल कर मिला हूँ, चोर उच्चक को जैसे नहीं मिले, वो जो कहना था उन्होंने खुल के कह दिया। फिर भी इन दो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा में ये लोग जरूर जीते,
उसके बारे में संदेह नहीं, लेकिन किस तरीके से फेक नैरेटिव सेट करके जीते हैं सब लोगों को पता है। विधानसभा में अगर अपने को किसको टारगेट करना है तो इन लोगों ने ठहरा लिया है कि अपन अजीत दादा को टारगेट करेंगे, और अजीत दादा पे ये लोग बात कर रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी वो समय नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें आदेश दिया है कि जिस तरीके से बजट में आम जनता के लिए, आम किसानों के लिए, वारकरी संप्रदाय के लिए, माँ बहनों के लिए अजीत दादा ने बजट पेश किया, उसका प्रचार प्रसार करो, ना कि इन लोगों के मुंह लगो। लेकिन फिर भी जब कोई अपने मुंह खोलता है तो उनको जवाब देना हमारा धर्म है और वो हम देते हैं। सांसद संजय राउत पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या इसका कुछ इनपुट है या क्या? लोग कहते हैं, लोग, मैं नहीं कहता। 100 दाऊद और 1 राउत, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि 1 राउत 100 दाऊद के बराबर है, और दाऊद की इतनी याद उनको आज क्यों आई? इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप पत्रकारिता कर रहे होगे तो आपने क्राइम पत्रकारिता जब की, उस वक्त आपके दाऊद के साथ कोई रिलेशन थे क्या? जरा महाराष्ट्र को खुल के बताइए। वैसी तो याद नहीं आती दोस्तों की, तो ये अचानक से उनके दोस्त की जो उनको याद आई तो इसीलिए आई क्या, वो खुद वो बताएंगे। और मुझसे ज़्यादा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब को ये अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ठाणा से लेके बम्बई तक उन्होंने पूरा राजकारण संजय राउत का देखा है, उनको पता है कि किसके साथ रिलेशन थे। एक आखिरी सवाल है, कल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी अजीत पवार पर उनके पालक जिले में जाकर बड़े तंज कसे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैंने उसका जवाब भी दिया कि जो नेता जिंदगी में कभी राजनीति में सफल नहीं हुआ हो, जिनकी पार्टी एक उम्मीदवार के आगे नहीं गई, एक बार गई थी जब 11 उनके MLA चुन के आए थे, बाद में उनकी विश्वासार्हता अभी नहीं है महाराष्ट्र में, तो उनकी एक आखिरी जो कहते हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं, जैसे जब बरसात गिरती है तो अपनी तरफ वो भूछतरी उगती है, वो अम्ब्रेला खतों पे, उस टाइप चुनाव आने के बाद ये व्यक्ति आता है बाद में। पहली बार जिंदगी में कभी ये पुणे में गए, पहली बार खड़कवासला डैम फ्लडिंग हुआ उसके बाद वो गए, जिनको NDRF क्या है वो पता नहीं, वो लोगों को सलाह दे रहे। मैं कहता हूँ कि महायुति का घटक आप बन रहे हो और आपको कुछ जगह चुन के आनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पालक मंत्री पे या गार्डियन मिनिस्टर पे इस तरीके से सवाल खड़े करें। आपकी खुद की रेशा बढ़ाइए ना, आप महायुति में हो ये भूल जाते हो, और बात कर रहे हो 288 लड़ने की, वो लड़े, उनको शुभेच्छा है हमारी, लेकिन महायुति में आने के बाद इस तरीके से वो उनका जो आरोप उन्होंने अजीत दादा पे किया उसका मतलब साफ है, वो खुद एक अनसक्सेस पर्सन है, और वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में जिंदा रहूं, लेकिन महाराष्ट्र के युवा उनको कुछ पहले जैसे नहीं मानते।